नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ बैम्बू शूट से सांबर, लेकिन विद सिंपल ग्रेवी, व्हाइट ग्रेवी। तो चलिए शुरू करते हैं। कड़ले सांबर बनाने के लिए हमें कड़ले या बैम्बू शूट, कैरेट्स, बीन्स, नारियल, दाल, बॉयल्ड दाल, कुकुम्बर, ग्राउंडनट, चना दाल, घी, ब्लैक पेपर, उड़द दाल और थोड़ा सा सॉल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। घी में हम उड़द दाल, चना दाल और काली मिर्च को हम फ्राई करेंगे। काली मिर्च को फ्राई करते वक्त थोड़ा सा होशियार रहिए, क्योंकि वो फट जाता है। घी में अगर आप उड़द दाल और चना दाल को फ्राई करते हैं तो उसकी खुशबू और उसका टेस्ट बहुत अच्छी तरह से निखर के आता है। ये एक टिप है, जब भी आप मसाले के लिए उड़द दाल को फ्राई करें तो प्लीज़ घी में फ्राई करें, ना कि तेल में। अब आप उड़द दाल, चना दाल और काली मिर्च को नारियल के साथ मिलाकर ग्राइंड कर लीजिए और एक फाइन पेस्ट बना लीजिए। पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बैम्बू शूट का बॉयल करने का और टॉक्सिन निकालने का तरीका आपको बताया है। प्लीज़ आप उस वीडियो को फॉलो कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो का लिंक डाल दूँगी। मैंने यहाँ वेजिटेबल्स को भी बॉयल किया है ग्राउंड नट्स के साथ और थोड़ा सा नमक भी डाला है बॉयल करते वक्त। इस टाइप का सांभर बहुत ही जल्दी बन जाता है, क्योंकि इसमें मसाले के इंग्रेडिएंट बहुत ही कम है। और आप इसे बैम्बू शूट के बगैर भी बना सकते हैं कुछ मिक्स वेजिटेबल्स ऐड करके। अब आप इस बॉयल्ड वेजिटेबल्स में बॉयल्ड तूर दाल, बॉयल्ड बैम्बू शूट और मसाला, ग्राइंड किया हुआ मसाला डाल दीजिए और स्वादानुसार नमक, और इसे बॉयल करने के लिए थोड़ी देर बॉयल करने के लिए रख दीजिए। ये ज़्यादा देर नहीं लगेगा, बस मिक्स होने के लिए टाइम लगेगा। सांभर जैसी कंसिस्टेंसी के लिए मैंने यहाँ आधा ग्लास पानी ऐड किया है। आप देखिए आपको कितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना आप ऐड कीजिए। मैंने यहाँ लास्ट में थोड़ा सा गुड़ ऐड किया है, क्योंकि इसे थोड़ा सा मीठापन आता है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। गुड़ इज़ एन ऑप्शनल इन्ग्रीडियंट, इसलिए मैंने लास्ट में इसको रखा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।